लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे अब ऐसा मुझे कुछ भी करने पर मजबूर मत कीजिए देव जो आप खुद सहन ना कर पाए अगर मुझसे आजादी चाहिए है आपको तो आपको अपनी एक रात मुझे देनी ही होगी और अगर अब आप अपनी जुबान से मुकरे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा देखो शर आज रात मैं आपका इंतजार करूंगी कुछ पल शादी का जोड़ा पहन लेने से उम्र भर का रिश्ता नहीं बनता विशाखा राधिका तू सवाल बहुत करती है अरे वही शादी का जोड़ा पहन कर तो मैं देव की दुल्हन बनकर इस सेज पर बैठूंगी आज देव मेरे पास आएंगे राधिका मेरे पास होश में आ विशाखा होश में आ होश में आ खुली आंखों से सपने देखना बंद कर विशाखा ऐसा कभी नहीं होगा मैं होश में ही हूँ राधिका देव ने आज की रात मेरे नाम कर दी है तुझे याद नहीं आज मैंने सबके सामने उनसे कहा था कि मैं उनका इंतजार करूंगी वो आज रात मेरे पास आने वाले हैं इस सेज पर मैं उनका इंतजार करूंगी राधिका ऐसा कभी नहीं होगा विशाखा सुहाग सेज सजा लेने से कोई औरत दुल्हन नहीं बन जाती विशाखा वो सिर्फ मेरे पति हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे तुम्हारे कहने से क्या होता है राधिका आज रात मुझे सेज पर दुल्हन की तरह सच कर बैठना है आज देव यहां आएंगे इस दुल्हन का घूंघट उठाने तूने जो मुझसे छीना था आज वो सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा आज मैं देव को पूरी तरह से पालूंगी राधिका पूरी तरह से आज मनाऊंगी मैं अपनी सुहाग रात कभी नहीं होगा विशाखा कभी नहीं इस थप्पड़ का जवाब तुझे जरूर मिलेगा राधिका ये जब फूल तुमने बिखेरे हैं ना उन्हें तुम खुद बटोरोगे और ये सजावट जो तूने खराब की है
इन्हें तू खुद संवारेगी और वो तुम्हारी शादी का जोड़ा वो तुम मुझे खुद अपने हाथों से देने आओगी राधिका, खुद अपने हाथों से, जो तेरा है ही नहीं वो तेरा कभी हो भी नहीं सकता। झूठे अरमान सजाना बंद कर विशाखा, खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दे। तुझे ऐसी ठोकर लगेगी कि तू फिर कभी संभल कर खड़ी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं। देखते हैं किसे ठोकर लगती है और कौन गिरता है, ये तो बाकी की शाम ही बताएगी राधिका। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। शाखा ने जो कहा वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे काना मेरे साथ है। फिर सेठ से जाने के बाद तुझे एक बहुत जरूरी चीज भी तो मुझे देनी है ना। अरे तेरी शादी का जोड़ा, अरे वही शादी का जोड़ा पहनकर तो मैं देव की दुल्हन बनकर इस सेठ पर बैठूंगी। तूने जो मुझसे छीना था आज वो सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। आज मैं देव को पूरी तरह से पालूंगी राधिका। ऐसी नजरें क्यों झुकाई? मुझे सब पता चल गया। यही शर्त थी राधिका। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी बात मान लूंगा तो वो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर देगी। मैं उसकी ये बात कभी नहीं मानता, पर मैं दादी मां के हाथों में हथकड़ी देखकर
मैं मजबूर हो गया था राधिका, मैं डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका अगला शिकार कौन होगा, और इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मेरा यकीन करो राधिका, उसे हाँ कहने के बाद मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता राधिका, पर अब वो समय टल चुका है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानने वाला हूं राधिका। मैंने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंपा, फिर जब सब कुछ तुम्हारा है तो वो मैं किसी और को कैसे सौंप सकता हूं राधिका? जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मुझे किसी से मजबूर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती थी आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अभी तो रात भी नहीं हुई है देव, और मेरा सिंगार भी पूरा नहीं हुआ, और देखिए ना ये कमरा भी अभी तक पूरी तरह सजा नहीं है, वो फूल ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। ये लीजिए देव, ये सिंदूर अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए, क्योंकि इसके बिना मेरा सिंगार अधूरा है। लीजिए देव, ये सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए, एक रात के लिए सही, मुझे आपकी पत्नी होने का सौभाग्य दे दीजिए, फिर तो मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करके आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। और पता नहीं ये सिंदूर मुझे अपनी मांग में भरने का फिर मौका मिले या ना मिले। शर्मा गए, अच्छा जाने दीजिए, ये सिंदूर खुद मैं अपने हाथों से भर लेती हूं। तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता विशाखा। मुझे क्या, भगवान को भी ये मंजूर नहीं है। मैं यहां तुम्हारे कमरे में खुद को सौंपने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बताने आया कि देवराज पुरोहित सिर्फ और सिर्फ राधिका का है। मेरे नाम का सिंदूर सिर्फ राधिका की मांग में ही सजेगा, और मेरे नाम के साथ सिर्फ राधिका का नाम ही जुड़ेगा। आप
मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते देव। आपने मुझसे वादा किया है, आप अपना वादा यूं नहीं तोड़ सकते। वादा मैंने तुमसे नहीं किया था, तुमने मुझे मजबूर किया था। मजबूर तो मैं आपको अभी भी कर सकती हूँ, मुझे कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा देव। और एक बार तो मैंने इस घर की इज्जत नीलाम होने से बचा ली थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो आप याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस घर का सम्मान मिट्टी में मिलाने से नहीं रोक सकता। बोलो, आपकी पोती ससुराल में राज करे। आपकी पोती ससुराल में राज करे। बोलो, आपकी पोती दूधो नहाए पोतों फले। आपकी पोती दूधो नहाए पोतों फले। कल यज्ञ में विशाखा की पराजय हुई, उसके पश्चात भी अम्मा इतनी प्रसन्न दिख रही, प्रसन्न चित होकर दान धर्म कर रही। कहीं विशाखा ने पुनः कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं कर दी? मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। आपने तो विशाखा को मना कर दिया है, लेकिन अब वो किसी भी हद तक गिर सकती है। राधिका, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सुबह जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं घबराया हुआ था। मुझे खुद को शांत रखना है और विशाखा की हर एक चाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना। सुनिए, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी परेशानी दादी माँ के सामने ना लेकर आए। वो हमारे दुख से पहले ही बहुत दुखी हैं। अगर हम उनके सामने टूट जाएंगे तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। ठीक है, सब लोग चाय पियेंगे। उर्मी, सबके लिए चाय बनाना बेटा, और टेबल भी साफ कर लो। चाची माँ, वो जागरण में जो कानाफूसी हो रही थी उसके बारे में कुछ सोचा आपने? सुशील, मैंने कहा था ना कि इस बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, फिर भी तुम। क्षमा कीजिएगा चाची माँ, बहुत देर से ये बात हमको परेशान कर रही थी इसलिए मुंह से निकल गई, वरना हमारा का है, हमको का पड़ी है। दादी माँ, बड़े महंत जी आए हैं। बड़े महंत जी, अचानक इस वक्त? दे बेटा, जाओ उन्हें ले आओ। जी दादी, चलो। लगता फिर कोई नया नाटक होने वाला है। आइए मोहन जी। राधे राधे बेटा जी। hmm.
धन्य भाग हमारे जो आपके चरण कमल हमारे घर पे पड़े। हमने सोचा भी नहीं था कि आप आएंगे। अगर आदेश दिया होता तो देव चला जाता आपको लेने। जब आसमान सर पर गिरने वाला हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की जाती। हमें जैसे ही समस्या का आभास हुआ हम एक क्षण का विलंब किए बिना आ गए यहाँ। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें किसी ने बताया तक नहीं। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या ये सत्य है कि गोमेद यज्ञ में एक स्त्री राजपुरोहित की पत्नी होने का दावा कर रही थी? क्या ये भी सत्य है कि देव राजपुरोहित होते हुए भी एक ही छत के नीचे दो पत्नियों को साथ साथ रखे हुए हैं? ऐसा उदाहरण समाज के सामने रखकर देव अपने राजपुरोहित पद का अपमान कर रहा है। देव का ये द्विभार्य जीवन न केवल अनुचित है, अवांछित है। देव को इन दोनों स्त्रियों में से किसी एक को त्यागना ही होगा।